उम्मीद है कि आपकी टैली की लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की इस वीडियो में हम टैली का एक ज़बरदस्त ऑप्शन देखेंगे जो हमारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो आपने अपने डेटा को दो तीन तरीके से प्रोटेक्ट किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी टैली की फ़ाइल को सी ड्राइव में नहीं सेव करेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि हमने डी ड्राइव में डेटा स्टोर किया हुआ है, और दूसरा हमने इसमें टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाया हुआ है और सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि आपके डेटा का एक बैकअप बना के रख लेंगे। उस बैकअप को हम इस कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्सनल लैपटॉप पे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना है तो आप क्या करेंगे, इस बैकअप का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन सावधानी बरतिएगा, सावधानी इस बात की कि जो टैली का वर्ज़न आपके पास है, जहाँ से आप बैकअप ले रहे हैं वही सेम टैली का वर्ज़न या उससे अप वाला ऊपर की तरफ अपग्रेडेड होना चाहिए। जैसे कि अगर आप टैली 9 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका डेटा आप Tally.ERP 9 में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप Tally.ERP 9 इस्तेमाल कर रहे हैं तो Tally 9 में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, सब कुछ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम अपनी कंपनी जो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, यहाँ पर हम कंपनी इन्फो में जा रहे हैं Alt+F3 करके। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है बैकअप, इस बैकअप का हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन बिफोर हम एक छोटा सा काम करना है, वो क्या कि हम इस बैकअप को रख कर रहे हैं। तो इस बैकअप को आप अपने एक पर्सनल फोल्डर में रख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको रखेंगे। सो आई रिपीट कि पहले आप अपनी फाइल के बैकअप को रखने के लिए एक जगह बना लीजिए, जैसे कि आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है। देखते हैं कैसे। मैंने विंडो ई का इस्तेमाल किया, इंग्लैंड। विंडो ई की मदद से मेरे पर्सनल फोल्डर में जहाँ पर मैं अपनी फाइलें रखता हूँ, जैसे कि मैंने इसको डी ड्राइव में लिया, आपको याद होगा टैली मैंने विष्णुकांत में स्टोर किया हुआ है, मैं यही रख लेता हूँ। आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ लें, आप डी ड्राइव में डायरेक्टली ले सकते हैं। मैंने विष्णुकांत में रख लिया और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया Ctrl+Shift+N, एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। मैंने इसका नाम रख दिया डेमो। आप टैली बैकअप के नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं, मैंने यहाँ इसका नाम डेमो रख दिया है। देखिए डेमो ब्लैंक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बैकअप में जाते हैं और ऑलरेडी यहाँ पर सोर्स आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी फाइल को टैली को डी ड्राइव में स्टोर किया हुआ है। डेस्टिनेशन को चेंज कर रहे हैं D:, रूट का सिंबल ऐसा लगाइएगा आप, पीछे की तरफ गिरा हुआ स्लैंटिंग लाइन होनी चाहिए। विष्णुकांत मेरे एक फोल्डर का नाम है जिसके अंदर मेरा दूसरा फोल्डर है डेमो, DEMO, डेमो। एंटर। और जो फाइलें मेरी वो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे, एक से ज़्यादा कंपनी नहीं रखनी है, रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको। एंटर। पासवर्ड 1 2, पासवर्ड हो गया, दैट्स ऑल। ये आपका बैकअप कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पर बैकअप आ गया। ये एक्चुअल में एक XML लैंग्वेज है जिसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। मैं नोटपैड में ओपन कर भी सकता हूँ तो दिक्कत होगी, तो इसका यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। बैकअप आपके पास स्टोर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। अब अगर आपकी फ़ाइल को टैली को कोई डिलीट भी कर देगा तो आपको आपकी फ़ाइल वापस मिल जाएगी, ठीक है। डिलीट करके मैं आपको दिखाऊँ, चलिए मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ऑल्टर, और यहाँ पर ये फोल्डर है। याद रखिएगा, डिलीट करने से पहले अपना बैकअप फोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी चेक किया है इसको। अगर ये एम्प्टी है तो इसका बैकअप काम नहीं कर रहा है, तो डिलीट करने से पहले बैकअप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई रिपीट, मेरी वीडियो में आप ध्यान से हर लाइन को सुनिए, बैकअप को पहले से चेक करके ही कंपनी को डिलीट कीजिएगा। डिलीट, एंटर, एंटर, क्योंकि डेटा रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है। तो हमारी कंपनी डिलीट हो गई है, लेकिन बैकअप मेरे पास रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। अगली वीडियो में आप देखिए इसको किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।